गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका आरएमएस सीरीज 2020 19 सितंबर को होने जा रहा है, एंड उसके पहले हमने आपसे कमेंट किया था कि हम प्रीवियस के जितने पेपर थे सभी का सोल्यूशन लेके आएंगे एंड क्लास नाइन्थ का भी लेके आएंगे, साइंस एसएसटी मैथ्स क्लियर। इसके अलावा जिस भी बच्चे ने अभी तक जो भी हमने पेपर अपडेट किया नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे रखा है। तो अब तक हम जो 2012 CET 2012 13 14 15 एंड आपका 16 हो गया एंड 19 का पहले अपडेट कर रखा है, तो ऐसे करके आपके सभी पेपर अपडेट कर रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी स्टूडेंट न्यू है एक बार लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरएमसी का, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको डेली क्विज भी मिलता रहेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। एंड अभी जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्लियर, उसके लिए आप सभी को थैंक यू बेटे। एंड देखो इसी टाइप से आप भी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते जाओ बेटे, 100% है, मिलिट्री स्कूल दूर नहीं है क्लियर। जो जितना हार्डवर्क करेगा उसको वैसा ही सक्सेस मिलेगी क्लियर, तो आपको एकदम हार्डवर्क करना है। लास्ट टाइम है, प्रीवियस पेपर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपका पेपर बनने वाला है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो बात करते हैं नेक्स्ट, एंड ये आपका कौन सा आरएमएस सीईटी 2016 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन जीके का आपको इसके बाद मिल जाएगा बेटे क्लियर। एंड जो भी आपको मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पुट करूंगा, तो जो भी क्वेश्चन मैं पुट करता हूं उन सभी का आंसर आपको लाइव चैट में ना करके कमेंट बॉक्स में राइट करना है, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है जो भी क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कि अभी हम 21 सितंबर 2021 को जो आपका आरएमसी का एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर में क्लियर, तो उसके लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 21 सितंबर 2021 क्लियर, तो ध्यान रखना बेटे। एंड जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आरएमसी की कोचिंग के लिए वो कॉन्टेक्ट लेना हमारे से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहेंगे। एंड इसके अलावा अभी आरएमसी के फॉर्म के लास्ट डेट आपका 30 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगर फॉर्म भी किसी कैंडिडेट को फिलअप करवाना है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, यस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे भी अभी 2K सब्सक्राइब होने वाले हैं क्लियर, अभी वीडियो मतलब आज बन रहा है, बाकी पब्लिक तो मतलब पब्लिक अभी हुआ लेकिन इससे पहले रिकॉर्ड हो चुका था, तो अभी तक इस पे लगभग 10 सब्सक्राइब रिमेनिंग है, शायद अब तक हो भी गए होंगे पता नहीं, देखते जो भी है। एंड इसमें जो भी आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरएम से कोई भी अपडेट होगा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहाँ पे अपडेट मिलेगा बेटे। एंड यहाँ पे क्विज मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप प्रैक्टिस के लिए आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहेंगे। एंड इसके अलावा इस पे 2K सब्सक्राइब होते हैं जब तक आपका मिलिट्री स्कूल एग्जाम नहीं होगा मीन 19 सितंबर, तब तक आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम क्लियर। एंड जो अभी जो आप मॉक टेस्ट दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो है उसमें आपको ओमारशिप भी मिलेगी, उसमें ओमारशिप में आपको जो आपके एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह वही आपको उसमें फिलअप करना है बेटे क्लियर। तो बात करते हैं, एंड इसको आप सर्च कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी आप सर्च कर सकते हो, सैनिक स्कूल सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, मिलिट्री स्कूल सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, RIMC सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, या लक्ष्य एकेडमी सर्च करोगे तब भी आ जाएगा, या आपको लोगो दिख जाएगा क्लियर, तो उसको ज्वाइन करना है बेटे। एंड नेक्स्ट जो मैं बात करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको कॉपी एंड पेन लेके रेडी रहना, जैसा हम हमेशा करते हैं कॉपी एंड पेन लेके रेडी रहना, जैसे डिस्प्ले पे क्वेश्चन आता है आपको सोल्व करना है, फिर आपको चेक करना है कि मेरा कितना करेक्ट है, जितना आपका स्कोर बनता है वो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना अपना नेम एंड स्कोर कि मेरा ये स्कोर है मींस 50/50 करेक्ट है, 48/50 करेक्ट है, जो भी है वो आपको राइट करना है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यस द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर में फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट जब आपको एरिया दे रखा है तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया इनटू 4, ये होता है क्लियर। तो हमें बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एरिया 16 है, 16 का स्क्वायर रूट इनटू 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है एंड अगर मान लो यहाँ पे आपको पैरामीटर के लिए क्या दे रखा है डायगोनल, तब क्या होता है इसका आंसर, अगर पैरामीटर के लिए आपको डायगोनल पूछा जाता तब इसका आंसर क्या होता, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है क्लियर।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया इनटू 4, क्लियर। तो 16 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो गया, बट अगर आपको पैरामीटर की जगह अगर डायगोनल दे रखा है तब क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4550, इट इज इंक्रीजिंग 20% एनुअली। बट परसेंटेज इंक्रीज होता है तो 100% इंक्रीज होता है, बड़े ध्यान रखना, एंड परसेंटेज डिक्रीज होता है तो 100% में डिक्रीज होगा, क्लियर। 20% इंक्रीजिंग एनुअली, एनुअली का मीन्स ईयरली, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर बाद पॉपुलेशन कितना होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 20% इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120%, तो 4550 इंटू 20% इंक्रीज हो गया कितना हो गया 120%, परसेंटेज को रिमूव किया अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, 455 इंटू 12, 12 5 60, 0 6 आपका कैरी, 12 5 60 प्लस 6 66 आपका 6 फिर कैरी, एंड 12 4 48, 48 प्लस 6 54, 5460, 5460 ऑप्शन नंबर, 5460 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा इतना ध्यान रखना है, परसेंटेज इंक्रीज होता है 100% में इंक्रीज होगा, परसेंटेज डिक्रीज होता है 100% डिक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 5460 इज करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में जाना है। सपोज करो यहाँ पे 1 ईयर की जगह अगर आपको क्या दे रखा होता 2 ईयर, तब इसका आंसर क्या होता, ओनली 1 ईयर की जगह यहाँ पे अगर 2 ईयर होता तब इसका आंसर क्या होता, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 345, 30 मीटर क्लॉथ उसका कॉस्ट कितना रुपीज 345 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ, तो 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, सिंपल है बेटे, करना क्या, सबसे पहले 1 मीटर का कितना होगा, 30 मीटर का कॉस्ट कितना है 345 है, तो 1 मीटर का कितना होगा 345/30, ये 1 मीटर का हो गया, तो हमें 16 मीटर का फाइंड आउट करना है, तो इंटू 16 कर दो, इंटू 16, क्लियर। अब देखो 15 से 15 टू जा 30, एंड फिर आपका रिमाइंडर कितना 4 तो 45, 15 3 जा 45 23, 2 1 जा 2, 2 से आपका 8 टाइम, तो 23 × 8, 8 3 जा 24, 2 कैरी, एंड 8 2 जा 16 प्लस 2 18, तो ₹184 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में जाना है एंड आपको क्या बताना है, अगर यहाँ पे 16 मीटर है इसकी जगह अगर आपका 16 मीटर की जगह अगर यहाँ पे आपको दे रखा होता 50 मीटर तब इसका कॉस्ट क्या होता, कमेंट बॉक्स में जाना है, अगर 16 मीटर की जगह 50 मीटर होता तब इसका आंसर क्या होता, क्लियर। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ट्रक लोड 60 कैरेट ऑफ एप्पल, वन ट्रक में कितने कैरेट आ सकते हैं एप्पल के, 60 कैरेट आ सकते हैं, हाउ मेनी ट्रक विल बी रिक्वायर्ड, कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट होगी 4200 कैरेट ऑफ एप्पल ले जाने के लिए। तो बेटे देखो यहाँ पे जो वन ट्रक उसमें 60 कैरेट जा सकते हैं, वन ट्रक में कितने 60 कैरेट जा सकते हैं, तो यहाँ पे 4200 कैरेट है, तो कितने जाएंगे, कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट होगी, डिवाइड कर दो बेटे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कैरेट कितने 4200 एंड वन ट्रक में कितने जा रहे हैं 60, 10 से 10, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 एंड 70, तो 70 ट्रक्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने ट्रक रिक्वायर्ड होंगे 70 ट्रक्स, 70 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है द डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ 125.6321 एंड 27.54 इनका डिफरेंस हमें बताना है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों को सेपरेट कर दो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो डेसिमल वाले होते हैं हमें डेसिमल के अकाउंट में आपको डेसिमल को पुट करना होता है बेटे, क्लियर। तो हमें बात करते हैं कितना 125.6321 एंड 27.54, क्लियर, सेपरेट करें कुछ नहीं, जीरो कर दो आप, यहाँ भी कुछ नहीं जीरो कर दो, तो डिफरेंस मतलब दोनों को सेपरेट करना है, तो 1 से 0 1, 2 से 0 2, 3 से 4 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 13, 13 से 4 आपका 9 एंड 5 से 5 0, डेसिमल का डेसिमल,
5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे आपका 1 हो गया, 11 से 2, 11 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा आपका कितना हो जाएगा 11 से 2 9, तो 98.0921, 98.0921 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करना क्या आपको, कमेंट बॉक्स में जाना है एंड डिफरेंस की जगह अगर आपको क्या दे रखा होता सम, तब इसका आंसर क्या होता, अगर यहाँ पे सम होता तब इसका आंसर क्या होता, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना है, क्लियर। एंड बेटे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटे, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे, क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको सम पूछा गया, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना, लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि वो कमेंट बाद में दिखेगा नहीं। आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो बाद में कमेंट को देख भी सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे सकता हूँ कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्लियर। आगे देखो बेटे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अच्छा क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 240 मीटर, मींस पैरामीटर कितना है 240 मीटर है, क्लियर। एंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 5:3 है, मींस लेंथ में लेट कर लेता हूं 5x है एंड ब्रेथ में लेट कर लेता हूं 3x है, क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो वी नो दैट सबसे पहले पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर आपको देगा कितना 240 मीटर, एंड पैरामीटर होता है क्या 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 240, क्लियर। वन सेकेंड रुकना बेटे, यस, तो यहाँ पे 2 से 2 वन जा 2, 2 से आपका 2 वन जा 120 टाइम, एल प्लस बी इक्वल टू 120, लेंथ कितना है पे 5x, ब्रेथ कितना 3x, पुट कर दूंगा 5x प्लस 3x इक्वल टू 120, तो 5 प्लस 3 लाइक टर्म है 8x इक्वल टू 120, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड तो x इक्वल टू 15, x का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे लेंथ कितना 5x, तो 5x का मीन 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75, तो लेंथ कितना रहेगा आपका 75 मीटर, एंड ब्रेथ कितना आपका 3x है, 3x का मीन 3 इंटू 15 तो 45 मीटर आपका क्या आ जाएगा ब्रेथ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे एरिया पूछा गया, तो वी नो दैट अगर लेंथ एंड ब्रेथ आ गया तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो कितना है 75 इंटू 45, देखो बेटे मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 75 इंटू 45, 5 या 25 2, 75 या 35 और 2 37 इंटू, ये कितना हो जाएगा 45 या 22 एंड 47 या 28 प्लस 2 30, कितना हो जाएगा 5 7 3 3 3 3 7 5 3 3 7 5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्क्वायर मीटर, क्लियर, मीटर स्क्वायर जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना कितना आ गया 3375 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जाना है एंड यहाँ पे एरिया की जगह डायगोनल होता तब आंसर क्या होता, एरिया की जगह अगर डायगोनल यहाँ पे पूछा जाता तब आंसर क्या होता, कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, इसमें हमें जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसका हमें वैल्यू बताना है, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसका वैल्यू कितना होगा हमें बताना बेटे। तो देखो यहाँ पे कोई रीजनिंग का क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या लॉजिक लग रहा है देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कितना 256 है तो 16 का स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 256, एंड 34 का स्क्वायर हो गया कितना 1156, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ये इसका स्क्वायर है एंड यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है एंड 7 देखो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करना होगा, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 49 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मनी होल नंबर्स स्मॉलर देन 9, 9 से छोटे कितने होल नंबर्स है, एंड वी नो दैट होल नंबर्स आपका 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते तो आपका होल नंबर बन जाता है, तो 9 से स्मॉलर कौन कौन से होल नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 से स्मॉलर होल नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 9 होल नंबर्स, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए वीनो देख, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो जो किलोमीटर है इसको सबसे पहले मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, मीटर में, तो 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया आपका 1000 मीटर। अब जो मीटर है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, ये आपका 1000 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो इनटू 100 तो डबल जीरो आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 लेख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन में देगा, 501, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है एंड आपको ये बताना बेटे, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर कितना होगा, मींस कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्लियर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। एंड इसके अलावा आपको एक और बताना है यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फर्स्ट तो ये बताना हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मीटर स्क्वायर, सेकंड आपका इसमें हाउ मेनी लीटर इन 1 मीटर क्यूब, दोनों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर, जो आपको फिगर दे रखा है इसमें कितने ट्राइंगल्स है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, आपका एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो गया, मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, पहले आपको देखो सिंगल वाले कितने वो ट्राइंगल राइट कर लेते हैं, मतलब 1 वाले कितने ट्राइंगल वो राइट कर लेते हैं, पहले कितने यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिंगल वाले कितने ट्राइंगल हो गए आपके, 12 ट्राइंगल हो गए, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, अब यहाँ पे और दूसरे ट्राइंगल हम देखते हैं, 12 तो हो गया आपके, 12 के बाद देखो फर्स्ट तो ये हो गया 1 एंड एक यहां से हो जाएगा 2, एक इससे हो गया आपका 3, एक आपका इससे हो गया इससे ये हो गया आपका 4, क्लियर, एंड एक आपका इससे हो गया 5, एक आपका इससे हो गया 6। तो देखो 1 तो ये बना रहा है ये यहां से, क्लियर, एंड 1 आपका ये बना रहा है 2 एंड इससे बन रहा है 3, 4, 5, 6, तो 6 यहां से बन गए तो 12 तो हो गया 6 और हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दोबारा बताता हूँ ये वाले कैसे बने, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो यहां से ये जो आपका बन रहा है ये ट्राइंगल बन गया बेटे, क्लियर। अब यहां से ये जो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है 2 एंड आपका ये भी कॉर्नर बना रहा है 3 एंड ये कॉर्नर भी बना रहा है आपका 4 एंड ये कॉर्नर भी बना रहा है 5 एंड ये कॉर्नर भी बना रहा है 6, तो 6 ट्राइंगल यहां हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद एक के पूरा कंप्लीट ट्राइंगल एंड एक आपका एक कंप्लीट ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल ये और बन रहे, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 + 6 = 18 + 2 = 20 ट्राइंगल, 20 ट्राइंगल्स, जो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है आपको यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक तरह से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, बाकी हमने अपडेट कर दिया, क्लियर। पेपर में भी मिसप्रिंट था, जो ओरिजिनल पेपर था उसमें भी ऑप्शन में मिसप्रिंट दे रखा था बेटे। तो देखो ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्राइंगल किसी भी साइड को इंक्रीज करते हो तो उसमें जो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो उसके इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल के, कहने का मींस, इसका मींस ये है, जैसे मैं यहाँ पे ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, होता क्या है, जैसे मान लो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल दे रखा, क्लियर। तो इसमें एक थ्योरम होती है, क्या होती है, अगर मान लो मैं जैसे आपके एंगल बन रहे हैं, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है एंड ये आपका सपोज करो कोई भी एंगल दे रखा पी दे रखा, अगर मैं इस लाइन को तरह से प्रोड्यूस कर देता हूँ तो जो बाहर की ओर जो एंगल बना जैसे जेड बन रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, मींस ये तो इंटीरियर हो गया बट अपोजिट कौन से वाई और जेड, तो जेड है ये किसके इक्वल होगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है, ये आपका थ्योरम होता है। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, बाकी आप लीनियर पेयर से 110 है तो आप इसको कर सकते हो, कितना 70 हो जाएगा, फिर इंटीरियर एंगल का सम उससे भी आप कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, क्लियर। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे,
यस, तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर है 110, ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर इसके और इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस x प्लस कितना है 100 इक्वल टू कितना 110 डिग्री। क्लियर, 2x प्लस x कितना होगा 3x, माइनस 20 और प्लस 100 कितना होगा प्लस 80 इक्वल टू 110 डिग्री। प्लस का 80 इधर आ गया आपका, माइनस का 80 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 110 माइनस 80, तो 3x इक्वल टू आपका कितना हो गया 30 डिग्री। तो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देगा तो x इक्वल टू 10 डिग्री। x का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 252 रेस्पेक्टिवली। मीन जो फर्स्ट है वो आपका HCF है एंड जो सेकंड है वो आपका LCM है। तो मीन HCF कितना है 18, HCF कितना है 18, LCM कितना आपका यहाँ पे 252। इफ वन ऑफ द नंबर कितना 126, फर्स्ट नंबर कितना आपका 126, फाइंड द अदर, हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। थोड़ा देखो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एंड इनमें रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का फॉर्मूला पुट कर सकते हो डायरेक्ट, सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना आपका 252 इंटू एचसीएफ कितना आपका यहाँ पे 18 अपॉन फर्स्ट नंबर कितना आपका 126, 126 वन टाइम, 126 टू टाइम, 18 टू जा 36, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा अभी तक जितने भी क्वेश्चन है ओनली फॉर्मूला बेस्ड एंड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, पेपर इतना टफ नहीं आने वाला है, बट आपको कोशिश ये करना है कि मेरे मैथ्स में आउट ऑफ करेक्ट हो बेटे। क्लियर, तो उसी के बिहेव पे आपको प्रिपरेशन करना है एंड जी जान से तैयारी करनी है बेटे। क्लियर, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय, जो कंप्लीट डिविजिबल हो किससे, 12, 18 एंड 24 से। यहाँ पे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर पूछा गया है, तो इस कंडीशन में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम कितना होगा 12, 18 एंड 24, इनका एलसीएम फाइंड आउट करूंगा मैं। तो अगर सेम नंबर से डिविजिबल आप कर सकते हो, 6 से हो रहा है, 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, 2 से 1 टाइम नॉट डिविजिबल, 2 टाइम, 2 एंड 3 तो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट कर लो यहां पे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा कितना हो जाएगा 72 तो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल होता है। बट आपको यहां पे क्या बोला गया है, 3 डिजिट बोला गया है, तो इसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट क्या क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल 72 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 144, 72 इंटू 2 144, तो 144 यहां पे आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है एंड ये जो स्मॉलेस्ट है इसकी जगह आपको ग्रेटेस्ट होता, स्मॉलेस्ट की जगह अगर ग्रेटेस्ट वर्ड होता तब इसका आंसर क्या होता, वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। क्लियर, नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सिंपल है, फाइंड 75.2% ऑफ 48, तो कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का मींस क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू 1/100, तो क्या करेंगे हम 75/2, परसेंटेज की परसेंटेज होंगे अपॉन 100 इंटू 48 एंड अब देखो यहां पे कैलकुलेट करेंगे 75 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2, 2 से 6 टाइम, तो 3 into 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एज इनकम इज 40% ऑफ 2/5 ऑफ बीज इनकम, ए बीज इनकम, बी का इनकम कितना रुपीज 4000 है,
देन फाइंड द इनकम, यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फाइंड द इनकम ऑफ ए, यहाँ पे ए का इनकम हमें फाइंड आउट करना बेटे, क्लियर। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसके जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे हम। यस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो ए का इनकम कितना, 40% ऑफ 2/5, 40% रिमूव किया तो अपॉन में 100, ऑफ पॉइंट मल्टीप्लाई 2/5 तो 2/5 में आपका 5, एंड किसका, ऑफ बीज इनकम, बी की इनकम का, बी का इनकम कितना 4000, तो इनटू 4000, क्लियर। कैलकुलेट करो बेटा इसको, देखो 00 से आपका 00 कैंसिल आउट, 5 1 5 5 8 40, कितना हो गया 40 × 2 × 8 8 16 16 4 64 and 0, तो ₹640। क्लियर, ₹640 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड रेशियो ऑफ इनकम ए टू बी मींस ए रेशियो बी, उनका इनकम का रेशियो क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर व्हाट टाइम विल द सम ऑफ ₹2000 बिकम्स ₹2240, प्रिंसिपल कितना 2000, जो जिसका अमाउंट कितना हो जाता है 2240 हो जाता है, मींस प्रिंसिपल कितना ₹2000, प्रिंसिपल ₹2000, अमाउंट कितना होता है ₹2240, रेट कितना आपका 4%, रेट कितना 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर, क्लियर। तो यहाँ पे आफ्टर व्हाट टाइम विल, कितने टाइम में हमें टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटे, बट आप एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई टाइम का फॉर्मूला देखो, एसआई इनटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, तो यहाँ पे ऐसे ही हमें नहीं दे रखा, बट अगर आपको अमाउंट एंड प्रिंसिपल दे रखा है तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, ऐसा इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना यहाँ पे 2240, प्रिंसिपल कितना 2000, तो कितना होगा ₹240, तो ₹240 क्या आ गया आपका, ऐसा ही आ गया 240 ऐसा ही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 240 × 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना 2000 मल्टीप्लाई रेट कितना यहाँ पे 4, 00 से 00 10 से 10 4 1 4 6 2 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 3 इयर्स, 3 इयर्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बेटे, एकदम सिंपल है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर फील्ड विच 50 मीटर लॉन्ग है एंड 25 मीटर वाइड है, क्लियर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपका यहाँ पे लेंथ दे रखा है एंड ये आपका ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L into B, कितना 50 × 25, 25 × 5 = 125 and 0 = 0, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 1250 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है कमेंट सेक्शन में जाना है एंड आपको यहाँ पे बताना है, एक तो इसका पैरामीटर बताना है, एक तो पैरामीटर एंड आपको सेकंड बताना है इसका डायगोनल, दोनों कमेंट बॉक्स में लगे एंड आपको कमेंट करना है कि इसका पैरामीटर कितना होगा एंड इसका डायगोनल कितना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3 3 3 3 4 टाइम्स है और वन ऑफ देम ये आपका फर्स्ट नंबर आपको ये दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड अदर नंबर में फाइंड आउट करना, डिवाइड कर दो बेटे, एकदम सिंपल है, क्या करेंगे देखो 3 3 3 3 / 11, क्लियर, 11 3 = 33, सबट्रैक्ट कर दो आपका 0 0, नेक्स्ट आपका 3, नॉट डिविजिबल अभी छोटा है तो नेक्स्ट वन लूंगा 3, तो यहाँ पे 0 आ गया एंड वो आपका 3 × 33, तो कितना आ गया 0, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा आपका 303, अदर नंबर कितना आ जाएगा 303, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस 12 मीटर पर मिनट को किसमें किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपका इसे मीटर पर सेकंड दे रखा है, वी नो दैट अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में है
एंड उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 18 बाई 5 से, यही करते हैं। तो जबकि यहाँ पे ये तो आपको पर मिनट दे रखा है, तो जो मिनट है इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। एंड वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो मिनट है इसके मैं 60 पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 60 सेकंड। तो 12 बन गया 5 टाइम, तो 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे बेटे, 1 अपॉन 5 इनटू 18 अपॉन 5, मतलब इससे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इसको मल्टीप्लाई में 18 बन जाए, 18 अपॉन 5 5 25 किलोमीटर पर आवर है, बट आपको तो यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 25, नॉट डिविजिबल, तो 0 एंड आपका पॉइंट यहाँ पे एंड 0। 25 से 7 टाइम 175, आपका 5 रिमाइंडर 0, 25 2 0.72 किलोमीटर पर आवर, 0.72 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 था, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, हमें ग्रेटेस्ट एंगल बताना है। तो वी नो दैट, जैसे मैं लेट कर लेता हूँ, फर्स्ट एंगल तो आपका एक्स है, सेकंड आपका 2x है, थर्ड आपका 3x है, क्लियर। एंड वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल 180 होता है, तो एक्स प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, 1x 2x 3 6x, 6x इक्वल टू 180, 6 बन गया 6, 3 गया 30 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। एक्स का वैल्यू 30 डिग्री है, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कितना होगा 3x, तो 3x का मीन 3 into 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे क्या बताना, ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स बताना है, ऑल एंगल्स। सेकेंड बताना टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल किस टाइप का है, टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल किस टाइप का होगा, क्लियर। ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कम्प्लीमेंट्री, व्हाट इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो वी नो दैट कम्प्लीमेंट्री का मीन्स कितना होता है 90 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री का मीन 90 डिग्री, तो 90 माइनस 60 आपका 30 डिग्री आ जाएगा। एंड आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसकी जगह सप्लीमेंट्री होता है, अगर सप्लीमेंट्री होता तो आंसर क्या होता, क्लियर। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द, एक मिनट रुकना बेटे, यस, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 678 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो 5 कौन से प्लेस पे, ये कौन सा हो गया 10th, 100th और ये 1000th, thousands का मीन 1000 से डिवाइड, तो कितना आएगा 5 upon 1000, क्लियर, 5 upon 1000 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड बड़े एक चीज में यहाँ पे आपको बता देता हूं, देखो होता क्या है, एक तो आपका थाउजेंड्स होता है, इसमें तो क्या करते हैं इंटू थाउजेंड करते हैं बेटे, एक होता थाउजेंड, इसमें क्या करते हैं डिवाइडेड बाय थाउजेंड करते हैं, क्लियर। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाके आपको ये बताना कि इसमें 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 100 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे हम बात करते हैं, एंड एक यहाँ पे, हाँ चलो ये बताना कि 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो आपको बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम 1 से, कितना सब्ट्रैक्ट 7/10 आ जाए, तो आप 1 से कितना, तो 1 minus 7/10 कर दो, 1/1 minus 7/10 कितना हो जाएगा 10 LCM, 10 minus 10 में 10 कर दो 1 time, 1 into 7 7, 10 minus 7 3/10, mean 3/10 ऑप्शन नंबर डी
इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आपको क्या करना है, तो 7/10 है, इसको परसेंटेज में डायरेक्ट प्रूव इट, परसेंटेज में कितना होगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना है कि जो 7/10 है इसको परसेंटेज में राइट करेंगे तो कितना होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे, बहुत से बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते। क्वेश्चन क्या, सब्ट्रैक्ट -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? फ्रॉम -10 से, इसका कहने का मींस क्या है, -10 है, इससे सब्ट्रैक्ट करो किसको, -4 को, एंड तो कितना होगा -10, -- मल्टीप्लाई हो गया, होगा +4, तो -10 + 4 -6, -6 ऑप्शन नंबर आपको ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आपको अगर मान लो जो सब्ट्रैक्ट है इसकी से क्या दे रखा है, अगर आपको 8 दे रखा है तब क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना, अगर 8 दे रखा है तब क्या आंसर होगा, एंड अगर सब्ट्रैक्ट की जगह अगर आपका मल्टीप्लाई दे रखा है तब क्या आंसर होगा, एंड अगर यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट की जगह अगर आपको डिवाइड दे रखा है तब क्या आंसर होगा। क्लियर? कमेंट सेक्शन में जाके सब्ट्रैक्ट की जगह एड होता वर्ड तब क्या आंसर होता, एंड सब्ट्रैक्ट की जगह अगर मल्टीप्लाई होता तब क्या आंसर होता, एंड सब्ट्रैक्ट की जगह डिवाइड होता तब क्या आंसर होता। क्लियर? आगे चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मनी सेकंड्स आर देयर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना सेकंड्स होगा, आ चुका है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। वी नो दैट वन आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स। क्लियर? आपको हमें 5 आवर का बोला गया, जो इंटू 5 कर दो 1800। क्लियर? इज करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है, हाउ मेनी सेकंड्स इन 2 आवर, 2 आवर में कितना सेकंड्स होता है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना है बेटे। क्लियर? आगे चलो क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वैल्यू, ये भी आपका रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है सब क्वेश्चन, आपने अगर प्रीवियस के पेपर्स आपने देखे होंगे पहले के वीडियो, तो सर लास्ट वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.001/0.01, तो इसको देखो कैलकुलेट करें कितना है, 0.001/ कितना दे रखा है 0.01, मैं इसको पॉइंट को रिमूव करूंगा आगे 3 डिजिट तो आपका 30 लग जाएगा, पॉइंट को रिमूव करूंगा आगे 2 डिजिट तो आपका 00 लग जाएगा, तो ऊपर तो 1 × 100 आपका 100 हो गया, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो ना, यहीं पे आपका 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 1/10, 10 तो राइट से लेफ्ट चलेंगे अपन, कितना 1 डिजिट, तो कितना हो जाएगा आपका 1 डिजिट एंड ए पॉइंट 0.1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब देखो अगर मान लो यहाँ पे जो साइन है, अगर इन दोनों को ऐड करना हो, इसकी जगह अगर आपको ऐड दे रखा है तब क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। क्लियर? एंड अगर ये जो साइन है इसकी जगह अगर मल्टीप्लाई होता तब क्या होगा, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। क्लियर? जो अपॉन का साइन है इसकी जगह मान लो दोनों को ऐड करना हो तब क्या आंसर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तब क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ, इनका वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करना 1/2 मींस 12.32 डिवाइडेड बाय 2.2, तो 12.32 डिवाइडेड बाय 2.2। क्लियर? डिवाइडेड बाय 2.2, तो देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखो ये पॉइंट है, इसको रिमूव करूंगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, एंड मैं अगर इसको रिमूव करूंगा ऊपर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल ऑफ, कितना बचा 1 2 3 2, इनटू 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं ना, 1 2 3 2 अपॉन 22 इनटू 10, कैलकुलेट करो इसको, देखो मैं 11 से आपका 11 से डिवाइड करूंगा 2 2 4 3 + 1 4, तो यहाँ पे 11 से 2 टाइम एंड 11 से 1 टाइम, 11 से 1 टाइम तो फिर आपका 13, तो फिर 11 से 1 टाइम एंड फिर 2 टाइम 1 1 2, 2 से 1 टाइम एंड आपका 56, तो कितना आ गया 56 अपॉन 10 मींस कितना आ जाएगा 5.6 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपको यहां पे दे रखा है डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड जो डिवाइड का साइन है इसकी जगह अगर प्लस का साइन हो तब क्या आंसर होगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन हो तब क्या आंसर होगा, इसकी जगह माइनस का साइन हो तब क्या आंसर होगा, ये तीनों आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। क्लियर? तो यहाँ पे तो आपका 5.6 आ गया, बट डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तब क्या होगा, एडिशन का साइन हो तब क्या होगा, एंड सब्ट्रैक्शन का साइन हो तब क्या आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 28 है, मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3 विदाउट रिपीटेशन, सभी डिजिट का यूज करना है, स्मॉलेस्ट हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है,
तो देखो यहाँ पे बात करें बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं जीरो को पहले नहीं ले सकता, जीरो को पहले लूंगा तो उसका यूज ही नहीं हो रहा, तो आपका क्या होगा यहाँ पे 1023 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में जाना है स्मॉलेस्ट की जगह अगर ग्रेटेस्ट होता तो आंसर क्या होता, स्मॉलेस्ट की जगह अगर ग्रेटेस्ट होता तो आंसर क्या होता, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर बेटे। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड और बता देता हूँ कैसे करना है इसको। अगर आपको जैसे क्या दे रखा है 75% 15 तो क्या करोगे आप 15/75 आप टोटल 100% होता है तो इनटू 100 कर दो आप, क्लियर। 15 × 15 = 5 × 5 = 2 × 20 क्लियर। ऐसे भी आप कर सकते हो, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपका। क्वेश्चन नंबर 30 एन आइसोसेलेस क्लस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो has two sides with length x, the third side is half of x, third side क्या x का half है, तो यहाँ पे हमें वो triangle का क्या बताना है, parameter triangle में बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे triangle draw करता हूँ बेटे, जैसे मैंने यहाँ पे triangle draw कर दिया, क्लियर। आइसोसेलेस तो टू साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो जैसे ये साइड इक्वल है, वो कितनी है, एक तो x है ये भी x है, एंड थर्ड साइड कितनी है, द थर्ड साइड इज हाफ ऑफ x, x का हाफ मीन्स x upon 2 है, ये कितनी है आपकी x upon 2 है। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री लेंथ सम, तो x प्लस x कितना होगा 2x प्लस x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन 2, एलसीएम ले लेता हूं कितना हो जाएगा आपका 2 में 1 का डिवाइड 2 × 2 = 4x प्लस 2 में 2 का डिवाइड 1 × 1 = x, तो 5x अपॉन 2। पैरामीटर कितना हो जाएगा 5x अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर बेटे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड पावर ऑफ 2 का थर्ड पावर, सेकंड पावर ऑफ 3 एंड सेकंड पावर किसका, 3 का। तो सबसे पहले तो क्या है, थर्ड पावर ऑफ 2 का थर्ड पावर, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 हो गया, एंड सेकंड पावर ऑफ 3 का सेकंड पावर मीन 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे चलो 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, इसको कैलकुलेट करना बेटे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3720 प्लस 30 − 2 × 36 प्लस 48/24 इसको कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 36 + 2 कितना हो गया 38। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं कितना हो जाएगा 3720 प्लस 30 एंड माइनस ये 2 है, एंड ये कितना इसका कैलकुलेट कितना है इस ब्रैकेट का 2 प्लस 30 38 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा आपका 76, तो −76, क्लियर। अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ऐड होकर कितना होएगा 3750 −76, सबट्रैक्ट कर दो बेटे 3750 −76, 10 से 6 आपका 4, यहाँ पे 4 हो गया तो 14 से 7 आपका 7 एंड 6 का 6 एंड 3674 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 33 है, एकदम सिंपल है, द सम ऑफ टू नंबर 40 है, टू नंबर्स का सम कितना 40 है, एंड देयर डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना 4 है, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। तो देखो इसके और भी मेथड आप किसी मेथड से कर सकते हो, या देखो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर वे में आपको बताता हूँ क्या हो गया, यहाँ पे टू नंबर्स का द सम ऑफ टू नंबर्स कितना 40 में लेट कर दो, एक तो आपका x है सेकंड y है, तो x प्लस y तो कितना आपका 40 है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देयर डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस x माइनस y इक्वल टू कितना आपका 4 है, आप दोनों का तो एड कर दो, एड करेंगे तो आपका क्या होगा प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस y दोनों कैंसिल हो गए,
x plus x आपका 2x आ गया and 40 plus 4 44 तो आप यहाँ पे x equal to कितना हो जाएगा x equals to 22 x equal to कितना हो जाएगा 22 x का वैल्यू आ गया आपके पास कितना 22 एंड दोनों का सम कितना है 40 है दोनों का सम कितना 40 है तो एक 22 तो सेकंड कितना आ जाएगा 18 तो y कितना आ गया आपका 18 आपको दोनों का यहाँ पे रेशियो पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर रेशियो कितना हो जाएगा 22:18 2 से 11 टाइम 2 से 9 टाइम 11:9 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 तो सिंप्लीफाई करना 16/4 फिर डिवाइडेड बाय 4 कहने का मीन्स ये 16/4 ब्रैकेट में है एंड फिर इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है 16 को पहले ब्रैकेट को सोल्व किया तो 4 फिर आपका डिवाइडेड बाय 4 सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते कितना आएगा 1 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 मनोज ईट्स 8 बनाना इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में कितने बनाना खाता है 8 बनाना 5 इन द आफ्टरनून मतलब नून में कितना खाता है 5 बनाना एंड 2 इन द इवनिंग इवनिंग में कितने बनाना खाता है 2 बनाना हाउ मेनी दर्जन ऑफ बनाना डज ही ईट इन ए डे तो वन डे में कितने दर्जन बनाना खाता है तो सबसे पहले टोटल कितने बनाना खा रहा है 8+5 13+2 15 बनाना वो एक डे में कितने बनाना खाता है 15 बनाना तो इसको हमें दर्जन में कन्वर्ट करना है तो दर्जन में जब भी कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाई 12 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/12 5 से आपका सॉरी 3 से आपका 5 जा 15 3 4 जा 12 तो 5/4 दर्जन मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको क्या बताना है हाउ मनी दर्जन की जगह परसेंटेज इसको परसेंटेज में बताना बेटे कितना परसेंटेज बनाना खाता है क्लियर मतलब दर्जन को परसेंटेज बनाना है क्लियर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब एंड नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर 36 है द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बेस कितना आपका 8 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है फाइंड इट्स एरिया तो उसका एरिया क्या होगा बेस एंड हाइट दे रखा है तो उसका एरिया क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो 1/2 बेस कितना आपका यहाँ पे 8 एंड हाइट कितना आपका 10 2 1 2 2 4 4 10 40 सेंटीमीटर है यस तो सेंटीमीटर स्क्वायर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर बेटे नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा आपको यहाँ पे 37 है ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऐसे बी जाती है किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से एंड फ्रॉम बी टू ए बी से ए पे वापस आएगी द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर से व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी तो कंप्लीट जो जर्नी उसमें उसका एवरेज स्पीड क्या है तो बड़े मैं आपको पहले बता चुका इसका ट्रिक मैंने आपको पहले बताया कई बार कि अगर कोई भी ट्रेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पहले अगर इक्वल डिस्टेंस को टू डिफरेंट स्पीड से कवर करता है तो उस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड क्या होगा 2xy/x+y तो जैसे ए है ऐसे बी तो जा रही किसकी स्पीड से 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर वापस आ रहे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगा आप इसको तो x ले लो x तो कितना आपका 20 एंड y कितना 30 इस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगा 2xy/x+y यही होता है तो यहाँ अगर इक्वल डिस्टेंस कवर बाय टू डिफरेंट स्पीड देन एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy/x+y तो कितना हो जाएगा 2 × x कितना आपका 20 × y कितना 30 एंड 20+30 कितना हो गया 50 10 से 10 5 1 6 6 6 12 12 2 24 तो 24 किलोमीटर पर आवर 24 किलोमीटर पर आवर जो आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर बट ध्यान रखना यहां से लेके यहां तक आपका इक्वल डिस्टेंस है इसको 20 की स्पीड से जा रहा है एंड 30 की स्पीड से वापस आ रहा है तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2xy/x+y होता है बेटे क्लियर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइप करने में मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन के यहाँ पे 7/9 है ध्यान रखना 7/9 एंड यहाँ पे 1^9 है 1^9 एंड b^6 है इसका क्यूब रूट पूछा गया है तो 7/9 का क्यूब रूट तो कितना हो जाएगा 9
a की पावर 9 इसका कितना हो जाएगा a का क्यूब एंड b की पावर 6 से क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो 9a³b² ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट है, एंड आपको यहाँ पे एक चीज और बताना, क्यूब रूट है इसकी जगह अगर स्क्वायर रूट होता तब आंसर क्या होता, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तब इसका आंसर क्या होता, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना मेरे, अगर क्यूब रूट की जगह अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तब आपका आंसर क्या होता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, लैंग्वेज समझना, ए बैच ऑफ ए बोटल्स वॉज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स, वन बॉक्स में कितनी बोतल आ रही है, 12 बोटल्स आ रही है, वन बॉक्स में कितनी बोतल आ रही है, 12 बोतल आ रही है। इफ द सेम बैच ऑफ पैक यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, अगर एक बॉक्स में मैं 20 बोटल्स का यूज करता हूं, देन हाउ मेनी बॉक्सेस, तो कितने बॉक्स की जरूरत होगी, दरअसल बोतल कितनी है टोटल वो देख लो, एक बॉक्स में 12 बोतल आ रही है एंड 25 बॉक्स है, तो 25 बॉक्स में कितनी हो जाएगी, 25 बॉक्स इक्वल टू 12 × 25, तो 12 × 5 = 60, 12 × 24 300 बोतल्स है, 300 बोतल है टोटल, 300 बोतल्स है। इनको क्या करना, अगर मैं जो यहाँ पे सेम बैच इज पैक यूजिंग 20 बोतल, अगर एक बॉक्स में 20 बोतल को यूज किया जाता है तो कितने बॉक्सेस लगेंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस यूज होंगे, तो बोतल्स कितने आपके 300 बोतल्स है, तो 300 बोतल्स को कितने बॉक्स में एंड वन बॉक्स में कितने 20 बोतल्स को यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएगा, टोटल 300 है, एक बॉक्स में हम 20 बोतल्स यूज करें 0 से 0, 2 से 15, तो 15 बॉक्सेस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 40, ए बैग चॉकलेट्स कैन बी सेट इक्वली अमंग 4, 5, 6 चिल्ड्रन विथ नो लेफ्ट ओवर, कोई भी बच्चे नहीं चाहिए, व्हाट इज द लीस्ट, लीस्ट का मींस एलसीएम, लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट इन द बैग। क्लियर। तो एलसीएम फाइंड आउट करूंगा 4, 5, 6 का, तो 4, 5, 6 का एलसीएम, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से आपका डिविजिबल है, 2 × नॉट डिविजिबल 3, अब 2, 5, 3 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो 3, 5, 15, 15, 2, 30, 30, 60, तो 60 इज करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, टू पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, 1 लाइन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, यहाँ पे अगर 2 की जगह 1 होता तब आंसर क्या होता, कमेंट सेक्शन में जाना है एंड कमेंट करके बताना है कि अगर 1 लाइन होता तब इसका आंसर क्या होता बेटे। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डू यू गेट इफ यू सब्ट्रैक्ट -40 को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम -50 से, कहने का मींस -50 इससे सब्ट्रैक्ट कर दो -40 को, तो कितना हो जाएगा -50 -40 माइनस का बड़ा नंबर माइनस, तो 50 - 40 -10, -10 मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बड़े समझना है, ऐसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी पेपर में एंड इसके पहले भी आ चुका है, तो आपको लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना बेटे। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। बेटे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आया, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, क्योंकि हर पेपर में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी पेपर में हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं इसी टाइप का। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, 55 का सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मींस क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180, तो 180 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 55, 10 से 5 5, 7 से आपका 2, 7 से 5 आपका कितना हो जाएगा, 2 एंड 1, 1 to 5 डिग्री, 1 to 5 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आपको बताना अगर सप्लीमेंट्री की जगह अगर कंप्लीमेंट्री हो, एंड इसकी जगह अगर मान लो रिफ्लेक्स हो तब क्या होगा, आपको एक बता दे, फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 55 डिग्री, दोनों आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। क्लियर। एंड जिस भी बच्चे ने तो लाइक नहीं किया बेटे, एक बार लाइक कर दीजिए। क्लियर। एंड कमेंट आपको सभी लाइव चैट में ना करके कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे आपको कमेंट आपको राइट करना, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं कि आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है बेटे। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बात करते 0.045 कर दो, डेसिमल कहा 20 तो 2 डिजिट राइट साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे था तो 4.5% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड अगर मान लो एक्सप्रेस 0.045% अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होता तब आंसर क्या होता, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन होता तब आपका आंसर क्या होता, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इफ वन दर्जन बुक्स कॉस्ट, वन दर्जन बुक्स का मीन्स कितनी होगी 12 बुक्स का कॉस्ट कितना ₹25 का कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक्स का कॉस्ट हमें बताना है। तो सबसे मैं बात करता हूं वन बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा 252/12 इंटू 10 बुक्स का पूछा है इंटू 10, तो यहाँ पे वो 12 1 12 12 2 24 एंड वन रिमाइंडर तो आपका 12 तो 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा ₹210 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में जाके, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स की जगह आपको 1 स्कोर होता तब इसका आंसर क्या होता, कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर बुक्स कितना होगा, क्लियर। आगे चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मीन सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। मैं डेसिमल में राइट कर लेता हूं 2/5 है, इसको आप डेसिमल में राइट करो कितना हो जाएगा 0.40। नेक्स्ट है 5/6 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आप डिवाइड दो 5 में 6 का, नोट डिविजिबल तो 0 एंड यहाँ पे 0, 6 से कितना टाइम 8 टाइम 48, फिर आपका 2063 जा तो 0.83। नेक्स्ट की बात करते हैं कितना आपका 11/12 है, तो 11 में डिवाइड दो 12 का, नोट डिविजिबल तो 0 यहाँ पे 0, 12 9 जा 108, रिमाइंडर कितना आ गया 201 टाइम 0.91 11/12 कितना आ जाएगा 0.91। नेक्स्ट कितना 7/8, इसको आप डिवाइड दो 7/8, मैं यहाँ पे डिवाइड कर दू 7 में किसका 8 का डिवाइड, नॉट डिविजिबल तो यहाँ 0 जाएगा आप पे 0.8 से कितना 8 7 जा 64 तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0.87 आपका अभी बड़े ग्रेटेस्ट बोला गया है, ग्रेटेस्ट का मीन्स क्या सुपरलेटिव सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट कौन सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे 0.40891 तो 11/12 इज ग्रेटेस्ट, 11/12 इज ग्रेटेस्ट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आपको क्या करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है बेटे, क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मनी 1/8 आर देयर 37.5, इसमें कितने टाइम 1/8 है, आप कैसे कैलकुलेट करो 1/8 एक्स टाइम है, या फिर डिवाइड करते हुए डायरेक्ट कर दो, आप डायरेक्ट कर देते हैं कितना हो जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाई ये आपका 1 एंड ऊपर आपका 8 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे इसको मैंने कैंसिल आउट किया, नीचे आपका कितना आ गया 10 आ गया, एंड कितना हो जाएगा 375/8/10, 5 से आपका 210, 5 7 जा 35, तो 2 आपका रिमाइंडर 25, 5 5 जा 75, एंड 2 1 जा 2 से आपका 410, तो 75 2 जा 150 को ट्वाइस कर दो 300, तो 300 इज करेक्ट आंसर, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन बेटे रिपीटेड है पहले के पेपर में आ चुका है, क्लियर। तो 300 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन 48, फाइंड 25% ऑफ 25%, तो करना क्या है यहाँ पे परसेंटेज का मींस क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू 1/100, तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो 25% रिमूव किया अपॉन में 100, ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 25% रिमूव किया अपॉन में 100, 25 into 25 625 625 अपॉन कितना हो गया 40 1 2 3 40, तो 4 डिजिट राइट से लेफ्ट चलना है, तो कितना हो जाएगा 1 digit 2 digit 3 digit 4 digit 0.0 0.0625 ऑप्शन नंबर सी
इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एकदम सिंपल था बेटे। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना किसका, 1134111 1344 1638। तो मैं एक साथ इनको कैलकुलेट कर लेता हूं, 1134 and 1344। नेक्स्ट कितना, 1638। क्लियर, मैं अगर इनका एचसीएफ फाइंड आउट करूंगा तो तीनों टू से डिविजिबल है, टू से ये कितने हैं, 2 5 and 2 6 2 7 2 से 2 6 2 7 2 2 2 से 2 8 2 1 2 9। तो 2 तो आएगा, बट बेटे देखो आगे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अगर यहाँ पे इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है तो जो ये आपका एचसीएफ है 2 का मल्टीपल आएगा, बट 2 के मल्टीपल में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटे। क्लियर, जो आगे इसको इसलिए कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो मैं इस 2 इनका कॉमन फैक्टर है, तो जो आपका एचसीएफ आएगा वो 2 का मल्टीपल मींस इवन नंबर आएगा, बट यहाँ पे इवन नंबर कोई भी नहीं, ओनली 42 है, तो 42 इज करेक्ट आंसर। अब वो कमेंट सेक्शन में जाना है, एचसीएफ की जगह अगर एलसीएम वर्ड हो तब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना बेटे। क्लियर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, यस फाइंड द वैल्यू। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड देखो एकदम सिंपल, इसको कैसे करेंगे, आपका देखो 3745 × 65 3745 × 35 3745 दोनों में कॉमन है, मैं इसको बाहर ले लेता हूं, 3745 तो यहां कॉमन लेते हैं कितना, मतलब 65 प्लस 35, तो दोनों को ब्रैकेट को ऐड किया, ये ब्रैकेट को छोड़ दिया तो कितना हो गया 100, तो 3745 × 100 तो कितना हो गया 374500 इज करेक्ट आंसर, 374500 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थोड़े एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे पेपर था आपका, एंड आपको पता होगा जो पेपर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या थे, रिपीटेड थे बेटे, जो पेपर था इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड थे, पहले के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो प्रीवियस के पेपर्स है 10 ईयर्स के पेपर, तो आपको अच्छे से करना बेटे, जिससे कि आपको एक आइडिया, बहुत से क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड है। क्लियर बेटे, तो एकदम इजी पेपर था मेरे अकॉर्डिंग एकदम इजी पेपर था। आपको भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना कि आपका आउट ऑफ स्कोर कितना बना है, एंड आपको पेपर का लेवल कैसा लगा है। इजी है तो आपको क्या करना है, इजी है तो आउट ऑफ मार्क्स लाना बेटे। क्लियर, ऐसा नहीं कि सर इजी था मेरे 45 से क्या होगा बेटे, इजी है तो बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे तो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जी जान से तैयारी करना बेटे। प्रीवियस के पेपर अभी भी नहीं किया तो आप कर सकते हो, एंड अगर आपको सॉल्यूशन देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सभी पेपर्स के सॉल्यूशन का, अब तक जितने पेपर हमने करवा दिए। क्लियर बेटे, बाकी प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे सभी का आपको मिलिट्री स्कूल का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे आपको सभी पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे बेटे। एंड जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, ठीक है बेटे, एंड बाकी कंटिन्यू ये चलता रहेगा आपका, एंड संडे से आपके डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे, एंड टेलीग्राम पे भी अब तक से 2K सब्सक्राइब हो चुके होंगे, उसके लिए आप सभी को थैंक यू बेटे। ओके बेटे, बाय बाय।